चाणक्य सदा कहते थे कि युद्ध करके शत्रु पर विजय प्राप्त करने में कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात बिना युद्ध किए, बिना रक्त बहाए विजय प्राप्त करने में। बिना आक्रमण के शत्रु को समूचा जीतने के लिए शत्रु के मन से आशा ही मिटा दो कि वो अपने विरोधी से जीत भी सकता है, जिससे उसके लड़ने और जीतने की क्षमता कम हो जाती है। अब आता है योजना का दूसरा चरण। तो दूसरे चरण में जितने भी संसाधन हमारे पक्ष में है उनका प्रयोग, ताकि हारने की संभावना ही ना। और योजना का तीसरा चरण, शत्रु की निर्बलता का अपने लाभ के लिए प्रयोग, जिससे जीतने के लिए कम शक्ति लगानी पड़े। और इस बार चाणक्य ने धनानंद के लिए उसी की सत्ता और शक्ति के केंद्र में चुनौती प्रस्तुत कर उसके अस्तित्व को ही एक प्रकार से मानो झकझोर दिया था। स्वाभिमान जब तुम्हें अंधा बना दे तो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है, वो तुम्हें हिंसक बनाता है, तुम्हारे अंदर क्रोध उप जाता है। सबसे पहले हमें इस बात का ज्ञान होना आवश्यक है, और जब हम इस बात को जान लेते हैं तो हमें इसका उपयोगी अंग भी समझ लेना चाहिए, और वो ये है कि इस अभिमान का उपयोग अपने शत्रु के विरुद्ध करें, वो तिलमिला उठेगा और क्रोध से पागल हो कोई ना कोई भूल अवश्य कर बैठेगा। युद्ध कौशल युद्ध नीति का प्रतिबिंब है। युद्ध नीति युद्ध के लिए यथोचित युद्ध योजनाओं के लिए निर्माण का आधार होती है। किसी भी युद्ध या युद्ध जैसी स्थिति के लिए सफलता हेतु प्रमुख 10 बिंदु होते हैं। युद्ध के लिए यथोचित योजना, युद्ध घोषणा का समय, युक्ति संगत आक्रमण, युक्ति संगत युद्ध शैली का चयन, शत्रु की शक्ति और उसके निर्बल पक्ष की विस्तृत जानकारी, अपने सैनिकों और अपनी क्षमताओं का भिन्न भिन्न ढंग से प्रयोग, आक्रमण की चालों में चपलता से बदलाव, युद्ध के समय अपने आसपास के भूगोल की पूरी जानकारी, और इन 9 बिंदुओं से भी अधिक महत्वपूर्ण है, हर युद्ध किसी न किसी प्रकार के छल या छद्म पर आधारित होता है। यदि तुमने अपने शत्रु के विरुद्ध एक अच्छी योजना बनाई है तो ये मानकर चलो उसने भी तुम्हारे विरुद्ध उससे भी अच्छी योजना बनाई होगी। युद्ध में वही योद्धा सफल हो पाता है जो अपने शत्रु की सभी योजनाओं को भांप लेता है और फिर उत्कृष्ट छद्म बना पाता है। जैसे जब तुम आक्रमण करने वाले हो तो शत्रु को लगना चाहिए कि तुम अभी आक्रमण की स्थिति में नहीं हो। जब शक्ति का प्रयोग करने वाले हो तो शत्रु को लगे कि तुम निष्क्रिय हो। जब तुम शत्रु के बहुत निकट हो तब उसे लगना चाहिए कि तुम शत्रु से बहुत दूर हो, और जब तुम दूर हो तो शत्रु को लगे कि तुम उसके अत्यंत निकट हो। शत्रु से अपनी सही स्थिति छिपाकर छल से उसे अव्यवस्थित करो, और शत्रु जब अस्थिर हो उस पर वार करके उसे कुचल दो। मैं किसी युद्ध में उलझना नहीं चाहता, किंतु मगध जैसे साम्राज्य में यदि हम उनसे बिना लड़े अपने आप को बचा नहीं पाए, ऐसे में मगध से सीधे युद्ध के अतिरिक्त हमारे समक्ष और कोई विकल्प नहीं बचता। इस युद्ध का सबसे बड़ा संकट, सबसे बड़ी समस्या है हमारे अंदर बैठा भय, अज्ञात से भय जो अतार्किक है, क्योंकि अज्ञात जैसी बात होती ही नहीं है। बातें मात्र कुछ समय के लिए हमसे छिपी हुई हो सकती हैं,
कुछ समय के लिए हो सकता है कि हम उन्हें समझ न पाए, तो इससे भय क्यों पाले मन? ये तो संकेत है इस बार कि चलो शत्रु के सामर्थ्य के बारे में और जानो, और जानो, और जानो।